हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज आपको डक्ट की पाइपलाइन दिखा रहे हैं कि कैसे डक्ट की पाइपलाइन फिटिंग होती है। ये जो आप सामने पाइपलाइन देख रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ये कौन सी पाइप किस लिए लगाई गई है। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी ऐसी नई वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये जो पाइपलाइन है और ये जो पाइपलाइन है जिसमें ये वाल्व लगा हुआ है, यहाँ से टी डाल के ये कनेक्शन हुआ है। ये हमारा 40 mm का पाइपलाइन है। ये हमारा फ्लश वाटर के लिए है, जो जितने भी टॉयलेट होंगे इस फ्लैट में उसके लिए जो फ्लश का पानी रहेगा वो इस पाइपलाइन से आएगा। और ये जो कनेक्शन हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टी लगा हुआ है, यहाँ पे जो बाथरूम बनेगा उसका फ्लश के लिए यहाँ से इसमें से कनेक्शन हो जाएगा। और ये देख लीजिए, यहाँ से मेन पाइपलाइन से टी डाल के यहाँ पे इसका कनेक्शन हुआ है। ये हर 5 फ्लोर के लिए एक मेन सप्लाई से एक अलग सप्लाई निकाला जाता है, ये 5 फ्लोर तक ले जाएगा। फिर से ये जो पाइपलाइन है इसके नीचे जो 5 फ्लोर आएगा उस वहाँ से ऐसे ही टी डाल के कनेक्शन हो जाएगा। वाल्व लग जाएगा और टी डाल के उसका कनेक्शन हो जाएगा। तो ये जो दोनों पाइपलाइन है, ये हमारा मेन फ्लश वाटर के लिए है और ये हमारा बाथरूम में जो फ्लश वाटर जाएगा उसके लिए अलग से टी डाल के कनेक्शन हुआ है। और ये जो पाइपलाइन देख रहे हैं, यहाँ पर टी लगा हुआ है, 25-15 का टी लगा हुआ है यहाँ पे। ये जो पाइपलाइन आप देख रहे हैं, ये हमारा सोलर गीजर का पाइपलाइन है। यहाँ पर ये सोलर गीजर का कनेक्शन हो जाएगा, जो बाथरूम में यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा सोलर गीजर का कनेक्शन है, देख लीजिए, जो नीचे 4 फ्लोर तक गया हुआ है। और ये जो पाइपलाइन देख रहे हैं, यहाँ पे 25-25 का रेडिएटर लगा हुआ है, रेडिएटर टी लगा हुआ है। ये हमारा मेन बाथरूम में जो पानी जाएगा स्पाउट के लिए, शावर के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए। तो ये हमारा 5 फ्लोर के लिए अलग से कनेक्शन है इसका। और वही पाइपलाइन है, ये मेन पाइपलाइन है, 50 mm का पाइप लगा हुआ है। ये देख लीजिए, ये ऊपर से आया हुआ है, यहाँ से कोई भी कनेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि 5 फ्लोर के लिए ये 25 mm का अलग से पाइप है और बाकी 15 फ्लोर के लिए ये अलग से पाइपलाइन है। बाकी यहाँ से 5 फ्लोर नीचे से यहाँ से कनेक्शन हो जाएगा इसी पाइपलाइन से। देख लीजिए, ये ऐसे ही पूरा 20 फ्लोर तक गया हुआ है। ये 50 mm का मेन सप्लाई है, बाथरूम के शावर, टोटी, स्पाउट जो भी लगेगा उसके लिए। और ये हमारा 40 mm का फ्लश वाटर के लिए है। और ये जो पाइपलाइन देख रहे हैं, ये 4 इंची का 110 mm का जो पाइपलाइन है, ये हमारा बाथरूम का जो पानी है उसके लिए लगाया हुआ है। देख लीजिए, इसके बारे में एक और वीडियो हमने बनाया हुआ था, बाथरूम का जो ड्रेनेज पाइपलाइन कैसा लगता है उसके बारे में हम आपको उस वीडियो में बताया था। तो ये जो पाइपलाइन यहाँ से कनेक्ट हुआ है, यहाँ से ये 4 इंची की पाइपलाइन से ये जो कनेक्ट हुआ है, ये हमारा गैस के लिए लगा हुआ है, ताकि बाथरूम में कोई भी गैस, बदबू वगैरह ना हो। और ये हमारा टॉयलेट के लिए ड्रेन पाइप है, देख लीजिए, यहाँ पे डोर बैंड लगा हुआ है, वाईटी लगा हुआ है, इसके साथ ये कनेक्ट हो गया है। पूरी पाइपलाइन ऐसे ही जेट क्लैंप में कसी हुई है। तो वीडियो का कैसा लगता है आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।